दोस्तों, आपने साल 1999 में आए फिल्म कच्चे धागे तो जरूर देखी होगी, जिसमें जय उर्फ धनंजय पंडित अपने सौतेले भाई आफताब और माँ मरियम से मिलता है, मगर उनसे मिलने के बाद वो इसे नफरत करने लगता है। हालांकि मरियम के अपहरण के बाद वो आफताब की मदद करता है उसे ढूंढने में, जिस कहानी को कलाकारों ने बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया। इसी वजह से आज इन कलाकारों को इस फिल्म के किरदारों के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है, जो आज भी अपने इस किरदार के लिए पॉपुलैरिटी हासिल करते नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो इस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 22 साल हो गए, और इन बीते सालों में इस फिल्म के कलाकार भी काफी ज्यादा बदल गए हैं, इतने ज्यादा जिन्हें आप पहली नजर में देखकर पहचान नहीं सकते। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कच्चे धागे फिल्म से प्रसिद्ध हुए कुछ चुनिंदा कलाकारों से रूबरू करवाने वाले हैं, जो आज काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं इन्हीं कलाकारों से। नंबर 6, अन्नू कपूर। इस लिस्ट की छठे कड़ी में अभिनेता अन्नू कपूर का नाम शुमार है, जो फिल्म कच्चे धागे में एक कव्वाली की ड्रेस में नजर आए थे, जिन्होंने अपनी खूबसूरत एक्टिंग और अभिनय प्रदर्शन से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीत लिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, इस फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 22 साल कम्प्लीट हो चुके, और इन बीते सालों में फिल्म में कव्वाली करते नजर आए अभिनेता अन्नू कपूर भी काफी ज्यादा बदल चुके हैं। इन्होंने आज अपनी 65 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली, जिस वजह से आज काफी ज्यादा बूढ़े दिखाई देते हैं, मगर जहां ये फिल्म में कव्वाली के ड्रेस में नजर आए थे, वहीं ये रियल लाइफ में काफी ज्यादा स्टाइलिश ड्रेस कैरी करते नजर आते हैं, मगर ये पहले जैसे बिल्कुल भी नजर नहीं आते, बल्कि इनके चेहरे पर छुरियां साफ साफ नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते होंगे। वहीं बता दे, इन्होंने आज भी अपने करियर को पहले की तरह बरकरार रखा, जो हाल ही में आई फिल्म पौराशपुर में अभिनय करते नजर आए थे। वहीं बता दे, ये आज मुंबई में अपनी पत्नी अनुपमा कपूर और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 5, गोविंद नामदेव। इस लिस्ट के पांचवी कड़ी में बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता गोविंद नामदेव का नाम शुमार होता है, जिन्हें आज भी दर्शक इस फिल्म में इनके किरदार वैकुंठ के लिए जानते हैं। वहीं बता दे, इस फिल्म को रिलीज हुए आज पूरे 22 साल कम्प्लीट हो चुके हैं, जिस वजह से आज फिल्म में नजर आए अभिनेता गोविंद नामदेव भी काफी ज्यादा बदल गए। जी हाँ, आज इन्होंने अपनी 71 साल की उम्र को कंप्लीट कर लिया, जिस वजह से आज ये काफी ज्यादा बूढ़े नजर आते हैं। जो इस फिल्म में पुलिस इंस्पेक्टर के ड्रेस में नजर आए थे, वही ये रियल लाइफ में पैंट शर्ट से लेकर कुर्ता पैजामा जैसी कैजुअल ड्रेस में नजर आते हैं। हालांकि पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे, इनके चेहरे पर छुरियां साफ साफ नजर आती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते होंगे। वही बता दे, आज भी इन्होंने अपने करियर को पहले की तरह ही बरकरार रखा, जो हाल ही में आई फिल्म ऑफिसर अर्जुन सिंह IPS में नजर थे। इसी के साथ ही बता दे, ये वर्तमान में अपनी पत्नी सुधा नामदेव और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 4, नम्रता शिरोडकर। इस लिस्ट की चौथी कड़ी में रागिनी पंडित बनी अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर आज भी अपने किरदार से काफी ज्यादा फेमस है, जिन्होंने अपने किरदार को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर उतारा था। वही बता दे, इन बीते सालों में अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर भी काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। जी हाँ, रागिनी पंडित जहां अपने स्टाइल और खूबसूरतताओं से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीती नजर आई थी, मगर आज ये इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं रही, क्योंकि इन्होंने अपनी 49 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है, जिस वजह से ये पहले जैसी खूबसूरत नजर नहीं आती, बल्कि अब ये साड़ी सूट जैसी ड्रेस को कैरी करती हैं, जिसमें काफी ज्यादा अच्छी नजर आती हैं। वही बता दे, इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को पूरी तरह से विराम दे दिया। इसी के साथ बता दे, ये अपने पति साउथ इंडस्ट्री के फेमस एक्टर महेश बाबू और अपने बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। नंबर 3, सैफ अली खान। इस लिस्ट की तीसरी कड़ी में अभिनेता सैफ अली खान का नाम शुमार होता है, जिन्होंने धनंजय पंडित उर्फ जय का किरदार बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, किस फिल्म को रिलीज हुए पूरे 22 साल बीत चुके हैं, और फिल्म में धनंजय पंडित का किरदार निभाने वाले अभिनेता सैफ अली खान भी काफी ज्यादा बदल गए। जी हाँ, इन्होंने अपनी 51 साल की उम्र कम्प्लीट कर ली है, जिस वजह से ये पहले जितने हैंडसम नजर नहीं आते, जो फिल्म में सूट और स्टाइलिश ड्रेसेस में नजर आए थे, जैसा कि रियल लाइफ में भी नजर आते हैं। वही बता दे, बीते इन सालों में काफी ज्यादा बदल चुके हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख ही सकते होंगे। वही बता दे, इन्होंने वर्तमान में भी अपने एक्टिंग करियर को पहले की तरह ही बरकरार रखा, जो जल्द ही बंटी और बबली 2 में भी नजर आने वाले हैं। इसी के साथ ही अपनी पत्नी अभिनेत्री करीना कपूर और बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं।
नंबर टू, अजय देवगन। फिल्म में आफ्ताब का मुख्य किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता अजय देवगन आज भी अपने इस किरदार से काफी मशहूर हैं। लेकिन बता दे कि बीते इन 22 सालों में आफ्ताब बने अभिनेता अजय देवगन काफी ज्यादा बदल गए हैं। जब फिल्म में कुर्ता पैजामा जैसे कैजुअल ड्रेस में नजर आए थे जिसमे काफी यूनिक और स्टाइलिश लग रहे थे, वही अब इनका स्टाइल काफी ज्यादा चेंज हो चुका है क्योंकि इन्होंने अपने 52 साल की उम्र को पार कर लिया, जिस वजह से ये काफी ज्यादा बूढ़े लगते हैं। इसी के साथ ये पहले जैसे स्टाइलिश ड्रेसेस को कैरी नहीं करते बल्कि शर्ट पैंट से लेकर कैजुअल ड्रेस में नजर आते हैं। वही बता दे इन्होंने आज भी अपने करियर को पहले की तरह बरकरार रखा, जो जल्द ही फिल्म सूर्यवंशी और मैदान में अभिनय करते नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दे इन्होंने अभिनेत्री काजोल के साथ शादी की, जिस शादी से इन्हें 2 बच्चे हैं जिनके साथ ये मुंबई में खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। नंबर 1, मनीषा कोइराला। अब बात करते हैं फिल्म में आफ्ताब की प्रेमिका बनी रुखसाना यानी की अभिनेत्री मनीषा कोइराला के बारे में, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने अभिनय प्रदर्शन को बेहद ही खूबसूरती से पर्दे पर पेश किया था, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया। वही बता दे इस फिल्म को कंप्लीट हुए पूरे 22 साल हो चुके हैं, जिस वजह से फिल्म में नजर आई रुखसाना भी काफी ज्यादा बदल गई है। जी हाँ, इन्होंने अपने 51 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, जिस वजह से आज ये पहले जैसी खूबसूरत नजर नहीं आती। लेकिन आपको बता दे जहाँ ये फिल्म में लहंगा चुन्नी और आंखों में कचरा डाली नजर आई थी, वहीं अब काफी ज्यादा बदल गई हैं, जो स्टाइलिश ड्रेसेस को कैरी करती नजर आती हैं, जिसमे काफी ज्यादा सुंदर दिखाई देती है। इसी के साथ ही बता दे इन्होंने अपने एक्टिंग करियर को पहले की तरह ही बरकरार रखा, जो हाल ही में आई फिल्म मस्का में नजर आई थी। वहीं आपको बता दे ये वर्तमान में अपने पति सम्राट दहल के साथ शादी करके खुशहाल जिंदगी बिता रही हैं। तो दोस्तों, आपको कच्चे धागे मूवी के इन कलाकारों में से किस कलाकार का किरदार सबसे ज्यादा बेस्ट लगा, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी ही मजेदार खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।